खबर है कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। हुकूमत बिजली बुहरान पर काबू पाने में नाकाम। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरान या शहरी और देहाती इलाकों में 12 घंटे से बढ़कर 14 घंटे तक हो चुका है। घरेलू और कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासिर। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 28,200 मेगावाट है, जबकि पैदावार 21,200 मेगावाट है। तलब और रसद में फ़र्क बढ़ने से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। बिजली बहरान पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। आने वाले दिनों में दौरानिया मज़ीद बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया गया है। शहरियों का कहना है कि एक घंटा बिजली आती है, दो घंटे बिजली जाती है, जिससे घरों में मौजूद खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों का गर्मी से बुरा हाल है। वापडा ने लाइन लासेस पूरे करने के चक्कर में आवाम को घन चक्कर बना दिया है। सूरत हाल बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन खराब होती जा रही है। शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नोटिस लेकर बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। मज़ीद अपडेट के लिए विज़िट कीजिए voicetoday.tv। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।